लखीमपुर खीरी, भारत नेपाल सीमा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर और बहराइच जैसे जनपदों से घिरा हुआ मैं यानी लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मैं यानी ये जिला उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में से एक है। प्रकृति का वरदान होने के बाद भी मैं विकास के लिए तरसता रहा। वजह रही यहां की मतलब परस्त सियासत। सत्ताधारियों ने मेरे नाम पर अपने खजाने भरे, मेरे सीने पर आग जलाकर सियासत के उजले गिद्धों ने अपनी स्वार्थ की रोटियां सेकी। अभी तक सियासत की मेहरबानियों से महरूम यहां के बाशिंदे रोटी, कपड़ा और मकान तक को मोहताज रहे। प्यासी धरती, जर्जर सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा यानी विकास मुझसे कोसों दूर रहा। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले, मेरे यानी इस जनपद के विकास की वजह बना गरीबों, मजबूर और मजलूमों का हमदर्द एक सच्चा कर्मयोगी, सभी जाति धर्मों का सम्मान करने वाला मेरा यानी लखीमपुर खीरी का सच्चा सपूत जफर अली नकवी। हमारे जनपद खीरी की जनता ने पिछली बार हमारे सांसद माननीय जफर अली नकवी को जो सम्मान दिया था, जो भरोसा व्यक्त किया था, उस भरोसे और सम्मान का ख्याल रखते हुए उन्होंने 5 वर्षों तक लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र की सच्चाई और ईमानदारी से सेवा की और उन्होंने पूरे क्षेत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए विकास का काम किया है। विकास की ये कहानी शुरू करते हैं शिक्षा से। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसी के लिए 28 खीरी लोकसभा क्षेत्र की जनता को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए माननीय सांसद जफर अली नकवी ने भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से लगातार पत्राचार के बाद संबंधित अधिकारियों से मुलाकातें की और माननीय सांसद नकवी जी के संघर्ष का नतीजा निकला। लखीमपुर मुख्यालय में पॉलिटेक्निक की वर्कशॉप निर्माण के लिए 60,80,000 रुपए की स्वीकृति, गोला के गुरु नानक कन्या इंटर कॉलेज और गुरु नानक डिग्री कॉलेज के कंप्यूटर कक्ष और अन्य कक्षाओं के लिए 28 लाख की धनराशि स्वीकृत कराई। यही नहीं, ब्लॉक कुंभी और ब्लॉक बांकेगंज में 4,98,00,000 की लागत का एक एक आईटीआई स्वीकृत कराया, जिसकी मंत्रालय द्वारा पहली किस्त भेजी जा चुकी है। ये आईटीआई कॉलेज जो बन रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे गांव के लड़के कम पढ़ पाते हैं, दूर नहीं जा पाते हैं, यानी कि गांव के लोग गरीब हैं, वो दूर नहीं भेज पाते हैं, जिसके कारण कॉलेज नज़दीक बन रहा है तो यहाँ पढ़ेंगे और हमारे क्षेत्र का काफ़ी विकास होगा। यहाँ के लोग जो अनपढ़ हैं वो सुधरेंगे, यहाँ की खेती बाड़ी है सुधर जाएगी और ये नकवी जो काम करा रहे हैं बहुत अच्छा करा रहे हैं। शिक्षा का महत्व समझने वाले दूरदृष्टा माननीय नकवी जी ने ब्लॉक बांकेगंज के ग्राम कुकरा और ब्लॉक फूल बेहड़ में 6,02,00,000 रुपए की लागत वाले एक एक राजकीय इंटर कॉलेज की स्वीकृति अपने अथक प्रयासों से ली। इस शुभ कार्य के लिए भी मंत्रालय की तरफ से 3,01,00,000 रुपए की 3 शुरुआती किस्तें भेज दी गई हैं। वर्ष 1952 के बाद से लगातार आवागमन की समस्या से यहां के लोग जूझते रहे। कई सत्ताधारियों ने यहां एक बड़ी रेल लाइन बिछवाने के दावे और वादे भी किए, मगर
आजादी के बाद से यहां के लोगों का ये सपना सपना बनकर ही रह गया था। माननीय जफर अली नकवी ने सांसद निर्वाचित होने के बाद जब इस चुनौती की बागडोर को अपने हाथों में लिया, तब से विकास की पटरी जमीन पर सरकने लगी। 715 करोड़ की लागत वाली रेल लाइन बिछवाने का ये काम गोला से फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर होते हुए दुधवा चंदन चौकी और मैलानी से बहराइच तक यानी 262.76 किलोमीटर में अब जल्द ही शुरू होने जा रहा है। रेल लाइन के निर्माण में जो उन्होंने योगदान दिया है, इससे हमारे लखीमपुर जनपद का व्यवसाय कम से कम 4 गुना बढ़ेगा। लखीमपुर में कम से कम 10,000 वर्कर्स को, मजदूरों को रोजगार मिलेगा बड़ी लाइन बनने से, और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में बहुत बड़ा काम होगा, व्यापार बहुत बढ़ेगा, जनपद में खाद सीमेंट का आयात बढ़ेगा और काश्तकारों का गल्ला बाहर जाने में बहुत बड़ी मदद होगी। आजादी के बाद से तकरीबन 4,000 गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए बिजली को तरस रहे थे। ये माननीय नकवी जी के जद्दोजहद का ही परिणाम है कि 409 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना से खीरी जनपद के 3,033 बिना बिजली वाले गांव और 1,500 आंशिक बिजली वाले गांव विकास की रोशनी से जगमगा उठेंगे। सांसद जी ने हमारे क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। खानपुर गुरेला से केशवपुर गुरेला को बिजली लाइन जुड़वाई। वहाँ केशवपुर गुरेला में कम से कम 10 साल से बिजली का आवागमन नहीं था बढ़िया। सांसद जी से विनती करने के बाद में सांसद जी ने हम लोगों की क्षेत्रवासियों की बात सुनी। बात सुनने के बाद में उन्होंने तत्काल ओएल से बिजली की लाइन केशवपुर गुरेला के लिए जुड़वाई। विकास के पहियों को सड़क की जरूरत होती है। लोकसभा क्षेत्र सड़क निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने भी यहां दस्तक दी। 28 खेरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 33,982,82,000 रुपए की लागत वाली 45 सड़कों के निर्माण कार्य की मंजूरी भारत सरकार ने माननीय सांसद जफर अली नकवी के निरंतर प्रयासों के बाद आखिर दे ही दी। विकास हर क्षेत्र में हुआ। आज लखीमपुर खीरी में एफएम रेनबो का प्रसारण आरंभ हो चुका है। 10 किलोवाट के एंटीना वाले और 2,50,00,000 रुपए की लागत वाले इस एफएम रेनबो को 60 किलोमीटर के इलाके तक सुगमता से सुना जा सकता है। जनपद लखीमपुर खीरी की नेपाल सीमा पर 2009 से पहले 7 VTS टावर काम कर रहे थे, लेकिन समस्या और जनता की मांग को देखते हुए माननीय सांसद जी ने संबंधित अधिकारियों से बात करके क्षेत्र की जनता को 10 VTS टावर का तोहफा दिया है। अभी तक टावर्स न होने की वजह से बॉर्डर क्षेत्र की जनता नेपाली सिम का प्रयोग कर रही थी। लोकसभा क्षेत्र 28 खीरी में बैंकों के विस्तार के लिए माननीय सांसद जी द्वारा अथक प्रयास किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप लगभग 10 बैंकों का शुभारंभ माननीय सांसद जी द्वारा हो भी चुका है और लगभग 45 बैंकों की शुरुआत मार्च 2014 में प्रस्तावित है। इन बैंकों में मुख्य रूप से भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक है। मेरे गांव खम्भौल में जो है इलाहाबाद बैंक उनके प्रयासों से जो है खुली है, और पड़ोस में जो है फलियापुर ग्राम पंचायत पड़ती है वहाँ पर इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक जो है उन्होंने खुलवाई है। सीसी रोडें हैं, सोलर लाइटें जो है उन्होंने लगवाई यहाँ पर हमारे यहाँ ग्राम पंचायत खम्भौल में, मंदिर में, मस्जिद में। इंडिया मार्का हैंडपम्प जो है इधर आप देख रहे हैं साइड में जो है लगे हुए हैं और लग रहे हैं, जो इंडिया मार्का हैंडपम्प भी जो है सांसद जफर अली नकवी जी के जो है प्रयास से जो है लग रहे हैं। माननीय सांसद जी ने तमाम अथक प्रयासों के बाद
भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के जरिए 3,000 विकलांग व्यक्तियों में 85 लाख रुपए के सहायक अंग जरूरतमंदों को निःशुल्क दिए गए। हम विकलांग इधर उधर भटकते थे, विकास भवन के चक्कर लगाते थे, लेकिन साइकिल नहीं मिलती थी। हम सब विकलांग इस चीज़ के लिए आभारी हैं कि माननीय सांसद जी ने हम सभी विकलांगों की सुनी और एक तरफा से ये नहीं देखा किसको क्या चाहिए क्या नहीं, सबको दिया, साइकिल दिया, बैसाखी दी, कैलिपर्स दिए और इतना बड़ा कैंप लगाया। भारत सरकार से हम लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाले माननीय जफर अली नकवी जी हैं। सांसद जी ने हम लोगों के लिए जो किया बहुत बड़ा काम किया है। नगर पंचायत सिंगाही की जनता की लंबे समय से मांग थी कि यहां एक महिला अस्पताल खुलवाया जाए, जिसे ध्यान में रखते हुए माननीय सांसद जफर अली नकवी ने अपनी सांसद निधि से 50 लाख रुपए देकर निर्माण कार्य आरंभ कर माननीय जी ने एक और अपना चुनावी वादा पूरा किया है। लखीमपुर शहर की जनता की लंबे समय की मांग और समस्याओं को देखते हुए 14 करोड़ 50 लाख की लागत वाले ऊपरगामी पुल का निर्माण कराया गया। निघासन शारदा बैराज पर स्थित पचपेड़ी पुल के लिए माननीय सांसद जी द्वारा पत्राचार अभी जारी है। इसके अलावा नौधन पटना का पुल, ब्लॉक निघासन में माझा पुल और ब्लॉक कुंभी यानी गोला में काकर घाट पुलों के लिए लगातार माननीय सांसद जफर अली नकवी जी द्वारा प्रयास जारी है। ये सभी वादे माननीय सांसद जी द्वारा यहाँ जनता से 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए थे, जिन्हें पूरी जिम्मेदारी से पूरा किया जा रहा है। हमारे बीच लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट श्री जफर अली नकवी हैं, वो अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने 5 साल में बहुत से अच्छे काम किए हैं जो कि 65 वर्ष में नहीं हो पाए। जनपद लखीमपुर में आने वाली बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त और त्रस्त था। इसके समाधान के लिए नकवी जी ने प्रति वर्ष भारत सरकार के द्वारा आपदा निधि से सहायता दिलवाई। यही नहीं, पलिया रेलवे लाइन को बचाने के लिए 10 करोड़ रुपए और अन्य परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से 1,48,00,000,000 रुपए की बाढ़ संबंधी परियोजनाएं स्वीकृत करवाई और उच्च स्तरीय समिति का गठन कर एक व्यापक कार्य योजना बनाए जाने का निर्देश भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को जारी करवाया, जिसके तहत समिति ने बाढ़ को रोकने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया है। खीरी में रह रहे जनजातीय लोग, जिन्हें थारू जनजाति के नाम से जाना जाता है, इनके लिए कई योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इसके अलावा पशुपालन योजना, महिलाओं और नवयुवकों के लिए प्रशिक्षण योजना, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा के विकास के लिए विद्यालयों का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण आदि बहुत सी योजनाएं स्वीकृत कराई गई हैं, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं। कानून व्यवस्था को और अधिक व्यापक बनाया जा रहा है। नई पारदर्शी कानून व्यवस्था के तहत धौरहरा में 700 लोगों के खिलाफ लिखे मुकदमों को समाप्त कर दिया गया है और इसके अलावा दुनिया भर में जाने जा चुके प्रसिद्ध सोनम हत्याकांड की जांच भी माननीय ने अपने प्रयासों की बदौलत करवाई। यही नहीं, आज किसी भी गरीब, मजलूम और बेबस को न्याय दिलाना माननीय नकवी जी की प्राथमिकताओं में से एक है। शुद्ध पेयजल की समस्या को खत्म करने के लिए पूरे संसदीय क्षेत्र में 273 इंडिया मार्का 2 हैंड पंप्स को लगवाया जा रहा है। बात अगर 28 खीरी में सीसी सड़कों की करें तो अभी तक 3,08,34,000 रुपए के लागत और 5.629 किलोमीटर की लंबाई वाली कुल 25 सड़कों का निर्माण पूरा भी किया जा चुका है। इसके अलावा भी कई सड़कों पर काम किया जाना प्रस्तावित है। ये रोड बड़ी जर्जर रोड थी, इसके लिए हम लोग सांसद जी से मिले और उन्होंने
इस रोड को बनवाया। इस मोहल्ले में करीब 500 परिवार रहते हैं। ये रोड कम से कम वही लगभग 350 मीटर सांसद जी ने इस मोहल्ले की रोड बनवाई। पीलीभीत की सीमा से महाराजगंज तक 1600 करोड़ की परियोजना सड़क मार्ग के लिए स्वीकृत की गई है, जिसके लिए माननीय सांसद जी द्वारा लखीमपुर खीरी जनपद में 24 करोड़ का धन आवंटित हुआ है, जिसमें बॉर्डर क्षेत्र की तमाम सड़कें, पुल, पुलिया और अन्य संपर्क मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। लखीमपुर खीरी का इतिहास देश की आजादी के बाद लोकसभा के जितने भी चुनाव हुए उनमें 45 वर्षों तक एक ही परिवार का व्यक्ति सांसद होता रहा। दो बार भारतीय जनता पार्टी को यह मौका मिला, एक बार जनता पार्टी को यह मौका मिला, लेकिन इन सारे मौकों का उपयोग करके एक भी ऐसा काम करके किसी सांसद ने नहीं दिया। लखीमपुर की जनता जिसे एक बड़ा काम या एक महत्वपूर्ण विकास का बिंदु मान सके। जफर अली नकवी ने पिछले 5 सालों में कामों की बड़ी लंबी सूची तैयार की है। यात्री प्रतीक्षालय हो या कचहरी परिसर में वादकारियों के बैठने के लिए हॉल का निर्माण, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल हो या मरघट का निर्माण, माननीय सांसद जफर अली नकवी की नजर से ऐसा कोई जाति, धर्म, वर्ग, इलाका अछूता न रहा जहां विकास ना हुआ हो या प्रस्तावित ना हुआ हो। सांसद जफर अली नकवी ने पीछे डलवा के एक ऐसा अनोखा कार्य किया है जो वर्षों तक याद किया जाएगा। सांसद महोदय ने जो भी अपना सहयोग इस अधिवक्ता संघ को दिया है अभी तक किसी भी सांसद ने नहीं किया है। लखीमपुर में चाहे बड़ी लाइन हो, ओवर ब्रिज हो, FM केंद्र हो या सड़कों का विकास, विगत 5 वर्षों में उन्होंने जो विकास किया है इस क्षेत्र का वो इससे पहले किसी भी सांसद ने नहीं किया है। ये सांसद नकवी जी के अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि गोला गोकरण नाथ के शिव मंदिर को पर्यटन केंद्र और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही पौराणिक देवकली को पर्यटन क्षेत्र घोषित करवाया। इन पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 152 करोड़ की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार को मुहैया करवा दी गई है, जिसके तहत 16 करोड़ की धनराशि गोला गोकरण नाथ के लिए आवंटित करवा दी गई है। जफर अली नकवी साहब ने पूरे जिले में गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, सब जगह 16 लाइटें लगी है। सांसद भाई जफर अली नकवी लखीमपुर के विकास पुरुष हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में जितना विकास किया है शायद किसी ने इतना विकास नहीं किया होगा। गांव-गांव में हर जगह, हर मंदिर पे, हर मस्जिद पे उन्होंने 16 लाइटें लगवाई है। माननीय सांसद नकवी जी ने अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 1972 में कांग्रेस से की। बेदाग छवि, निडर नेतृत्व और विकास परक त्वरित निर्णय लेने के धनी जफर अली नकवी का राजनैतिक जीवन इनकी ईमानदारी की वजह से चुनौतियों भरा रहा। पिछले चुनाव में जब हमारे सांसद जी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे, पार्टी ने इनको टिकट दिया था, तो इनकी ईमानदारी की छवि को देखते हुए जनता ने वोट दिया था। अब इन्होंने अपनी ईमानदारी को जनता के सामने काम के रूप में बदला और काम इतना किया है कि अंधेरे को उजाला इन्होंने कर दिया। विरोधी पस्त हैं क्योंकि उनके पास एक ऐसा मुद्दा नहीं जिसे वे जफर अली नकवी के खिलाफ अपना सके। ये एक मिसाल ही है कि वर्ष 2009 में चुनाव के मात्र 25 दिन पहले ही टिकट डिक्लेयर होने के बाद भी माननीय सांसद जफर अली नकवी ने सालों से सत्ता हथियाते चले आ रहे विरोधियों को जमीन दिखा दी। श्री नकवी साहब एक ऐसे नेता हैं जो आज की इस व्यवसायिक राजनीति के युग में शायद बहुत कम लोगों में से एक हैं।
जिनके पास दूरदृष्टि है, जिनके पास आज एक ऐसी इच्छा शक्ति है कि वो अपने जनपद को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। शुक्रगुजार श्रीमती सोनिया गांधी को जिन्होंने पुणे को टिकट देकर के यहाँ भेजा है और हम लोग भारी बहुमत से जिताकर उनको भेजेंगे। आज जनपद लखीमपुर खीरी में अमन है, शांति है, गुनगुना रही है लखीमपुर की धरती। ये विकास का दौर है, ये तरक्की का दौर है, ये वो दौर है जब आपके साथ है सबसे पहले आपका हित देखने वाली एक दूरदर्शी, बेदाग और पाक शख्सियत। उठो और इस साधारण और सहज शख्सियत के साथ आगे बढ़कर असाधारण रूप से साबित कर दो 60 साल बनाम 5 साल। जो काम पिछले 60 सालों में ना हुआ वो अब होगा और इसमें साथ होगा आपका हर बुजुर्ग, हर पुरुष, हर महिला और देश के भविष्य समझे जाने वाले हर युवा का। निश्चित रूप से आज हर युवा को पता है कि उसका, उसके जनपद, उसके प्रदेश और देश का हितैषी कौन है। ये युवाओं की तरफ से विकास की आवाज है, पहले जिताया नाम पर अब जिताओ काम पर। अपने जनपद को विकास के रास्ते पर ले जाते हुए देखने के साक्षी भर ना बने बल्कि विकास के इस कर्म यज्ञ में अपने प्रिय सांसद जफर अली नकवी को अपना कीमती वोट देकर अपने कर्तव्य की आहूतियां भी दें। ये इससे पहले भी 3 बार विधायक रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं, जहां जाएंगे वहां खुशियां फैलाएंगे, खुशबू फैलाएंगे। मेरा मानना है कि लखीमपुर की जनता फिर इन्हें अपने घर में सजाने का काम करेगी और अपने प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में फिर से भेजने का काम करेगी। वक्त की तकदीर स्याही से लिखी जाती नहीं, साथियों अब काम करने का जमाना आ गया है। जफर अली नकवी अब हमारे साथ हैं, तंगहाली से उबरने का जमाना आ गया है। आप साफ सुथरी छवि वाले धर्मनिष्ठ व्यक्ति माननीय जफर अली नकवी साहब को वोट दीजिए और उनको उनकी कामयाबी, इस जनपद के विकास की कामयाबी होगी। हमारा मकसद है राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। हमारी कांग्रेस भक्त का मकसद है सभी भाइयों को लेकर चलना, किसानों को, मजदूरों को, विशेषकर नौजवान लोगों को, कि जो कि आज इनके पास न पढ़ाई है, न पैसा है, न रुपया है, न कोई मार्गदर्शन है, न कोई व्यापार है। उनके लिए हम चाहते हैं भविष्य में एक नई ऐसी योजना लाए कि 20-25 लाख लोगों को रोजगार मिले, बच्चे साइंस टेक्नोलॉजी पढ़े और पढ़ के अपने हाथों पैरों में खड़े हो सके। आगे मेरी यही योजना है और मैं चाहता हूँ लखीमपुर की निरंतर तरक्की हो। यहाँ पर जो सैलाब आता है जिसके लिए हमने 1 अरब रुपया प्रधानमंत्री से कोष में दिलाया है, ये सैलाब से मुक्त जिला हो, ये मेरी भविष्य की एक अपनी योजना है। पचपेरी घाट यहाँ पर बने, पचपेरी घाट के लिए प्रधानमंत्री ने मंजूरी दे दी थी लेकिन इस प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को नहीं भेजा कि शायद हमारा नाम हो जाए, इस सरकार का घटिया मामला हो जाए, नहीं भेजा गया। अब ये भविष्य में चाहता हूँ पचपेरी घाट बने, मैं चाहता हूँ साइंस टेक्नोलॉजी के यहाँ डिपार्टमेंट खोले, एक यूनिवर्सिटी खोले। हमें चाहता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई हो सके। मैं चाहता हूँ कि किसानों को जो गन्ने का दाम नहीं मिला है आगे उनके गन्ना भोए उनको मिले में उसके दाम मिल सके। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूशन खोले और कोई एग्रीकल्चर के कॉलेज खोले जिससे एग्रीकल्चर जुड़ा है आगे तरक्की कर सके। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इन सब बातों को विचार करते हुए और गौर फिक्र एहसास की जरूरत है और आप ये महसूस करें, इस बात को महसूस करें कि आगे आने वाला भविष्य अपने जमीन की आवाज पर आप वोट करें और आप ये महसूस करें कि इन लोगों ने कुछ करके नहीं दिया है। यदि आप बैठ गए
और आपने बहकाव में संप्रदायिक के बहकाव में लालच में कहीं आपने वोट कर दिया तो नुकसान न हमारा होगा न उनका होगा बल्कि आने वाले आने वाले बच्चों का जो हमारे आपके बच्चे हैं उनका भविष्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मैं चाहता हूं कि विकास को हम बढ़ाएं, वो चाहते हैं कि नकवी को हटाएं। अब ये आपको तय करना है कि आपको विकास को बढ़ाना है या नकवी को हटाना है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इसके साथ साथ मैं आप पे छोड़ता हूं अपनी आत्मा की आवाज पर आप वोट करें और इस लखीमपुर के तरक्की के राह में जुड़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय।